स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस वर्ल्ड। आई होप यू ऑल आर गुड एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। टूडे वी आर गोइंग टू रीड बुक एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 15, इंडिया व्यूज फ्रॉम योर सोशल साइंस बुक। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल हैव ओनली वन एक्सरसाइज, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो लेट्स स्टार्ट फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, पीपल ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू द डैश कंडीशंस ऑफ अ प्लेस। हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि हम जो क्लोथ्स पहनते हैं वो हमारे आसपास जो कंडीशंस होती है उस प्लेस की जहाँ हम रहते हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्लोथ्स पहनते हैं। सपोज नाउ वी आर हैविंग विंटर सीजन चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, वी वेयर वुलन क्लोथ्स। सपोज समर सीजन इज़ देयर, देन वी विल वेयर द कॉटन क्लॉथ्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस हम जो हैं अपने क्लोथ्स पहनते हैं। नंबर टू, अ डैश इज अ लॉन्ग क्लोथ वर्न अराउंड द वेस्ट, एंड द आंसर इज अ लुंगी इज वर्न अराउंड द वेस्ट। नाउ व्हाट इज लुंगी? लुंगी जो है एक लंबा सा क्लोथ होता है ना, कपड़ा होता है जो स्पेशली जो मेन होते हैं वो पहनते हैं, और इसको अलग अलग नामों से भी बोला जाता है। जैसे कि केरला में इसको मुंडू कहते हैं एंड इन तमिलनाडु इट इज़ नोन एज वेस्टी। तो लुंगी जो है वो अराउंड द वेस्ट वेयर की जाती है। नंबर थ्री, पीपल इन कश्मीर वेयर अ लूज वुलन गारमेंट कॉल्ड द डैश। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कश्मीर, हमें एक ही चीज़ दिमाग में आती है, दैट इज़ फिरन, है ना। फिरन एक ऐसा क्लोथ होता है या ऐसा गारमेंट होता है जो मेन एंड वुमेन दोनों पहनते हैं, है ना। इट इज़ वर्न बाय मेन एंड वुमेन इन द स्टेट ऑफ कश्मीर। ओके, ये एक वुलन से बना हुआ बिल्कुल नी से नीचे तक का एक पूरा ऐसा, जिसको हम कहते हैं रॉब टाइप होता है, रॉब जो पूरे बॉडी को कवर करता है ना। तो वो लॉन्ग कुर्ते जैसा होता है जिसके नीचे सलवार पहनी जाती है, इट इज़ नोन एज फिरन। देन नंबर फोर इज, पेटा इज हेड गियर वर्न बाय मेन इन मैसूर। मैसूर में जो हेड गियर पहनते हैं, हेड गियर मीन्स इट मे बी क्लोथ रैप्ड अराउंड योर हेड, तो वो जो है पगड़ी भी हो सकती है जैसे राजस्थान में पहनते हैं या फिर पंजाब में पहनते हैं या फिर गुजरात में पहनते हैं, है ना। लेकिन मैसूर में जो हेड गियर यानी कि जो क्लोथ पहना जाता है सर के ऊपर वर्न किया जाता है, इट इज़ नोन एज पेटा। नंबर फाइव, मेखला चादर इज अ ट्रेडिशनल ड्रेस वर्न बाय वुमेन इन द स्टेट ऑफ डैश। तो मेखला चादर जो है ये वुमेन पहनती है इन द स्टेट ऑफ असम, तो इसका आंसर है असम। असम में जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी जाती है वो टू पीस में पहनी जाती है, मेखला और चादर। ओके, टू पीस होते हैं ये, एक तो वेस्ट में रैप किया जाता है और एक ऊपर की तरफ रैप किया जाता है बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में, मेखला चादर। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये सारे जो ट्रेडिशनल टाइप्स के जो ड्रेसेस हैं स्टेट वाइज वो हमने उसमें देखे हैं। Students, if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also, subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. So students, now we'll see the question answers of chapter number 15, India Views. Answer the questions, exercise B. And first question is, describe the process of making cloth. Cloth banane ki jo process hai, usko describe karna hai. Now this answer you will get from the story time. हमने जो story time पढ़ी थी जब chapter start किया था उसमें ये topic दिया हुआ है कि कपड़ा जो है वो कैसे बनता है, how a cloth is made. So the answer is, points में हमने लिखना है इसको। First जो इसका point है, cotton is separated from the seeds in the ginning mills. Now ginning mills वो होती हैं जहाँ पर कॉटन के जो बॉल्स होते हैं उनमें से सीड्स को हटाया जाता है। आपने कॉटन बॉल को अगर देखा होगा तो उसके सेंटर में एक ऐसा सीड होता है
और उसमें बहुत सारे ऐसे फाइबर्स जो है वो लगे होते हैं, ग्रो होते हैं, है ना। तो जब हम क्लोथ बनाते हैं तो इस सीड को हमें उसमें से निकालना पड़ता है, और ये प्रोसेस होता है जिनिंग मिल्स में। सो फर्स्ट जो इसका आंसर का फर्स्ट लाइन है वो है, कॉटन इज सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स इन द जिनिंग मिल्स। नाउ द सेकेंड वन, इन स्पिनिंग मिल कॉटन थ्रेड्स आर प्रिपेयर्ड बाय ट्विस्टिंग द फाइबर्स। अब नेक्स्ट, जिनिंग मिल से हम जाते हैं स्पिनिंग मिल में, यहाँ पर जो कॉटन के थ्रेड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। अब ये जो सीड है, इसके जो ये छोटे छोटे फाइबर्स आप देख रहे हो, ये जो फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स को ट्विस्ट किया जाता है। मतलब ट्विस्ट मतलब एक फाइबर ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे हम चरखे पे, आपने देखा होगा या सुना होगा, चरखे पे हम क्लोथ के लिए लगने वाला जो धागा होता है उसको बनाते हैं, तो सेम चीज़ जो होती है वो स्पिनिंग मिल्स में होती है ना। तो ट्विस्टिंग करके, फाइबर्स को ट्विस्ट करके यहाँ पर जो है थ्रेड्स बनाए जाते हैं और उनसे यार्न बनाए जाते हैं। यार्न क्या है? यार्न जो जिस पे ये जो धागा होता है, जो थ्रेड होता है, उसको लपेटा जाता है, उसको हम कहते हैं यार्न। ओके, देन नंबर थ्री इसका पॉइंट है, थ्रेड्स आर वोवन टुगेदर टू मेक अ क्लोथ, और ये होता है लूम पे। लूम जो होता है वो वीविंग के लिए होता है, एक मशीन होती है जो हैंडलूम जो होता है वो हाथ से ऑपरेट करना पड़ता है, और जो मशीन लूम होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। ओके, तो वीविंग जो होती है वो दो तरीके से होती है, या तो हाथ से या फिर मशीन से। ओके, तो पहले जिनिंग मिल्स में सीड्स से फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है, देन स्पिनिंग मिल्स में उन फाइबर्स से यार्न बनाया जाता है, और फिर यार्न से क्लोथ बनाया जाता है लूम्स के ऊपर। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ वीविंग। एंड लास्ट, जब क्लोथ बन जाता है, वीविंग हो जाती है क्लोथ की, तब उसको क्या किया जाता है, क्लोथ इज डाइड, प्रिंटेड एंड देन स्टिच्ड इनटू ब्यूटीफुल क्लॉथ। उसके बाद क्लोथ जब तैयार हो जाता है तो उसको पहले डाई करते हैं, डाइंग मीन्स उसको कलर किया जाता है। क्लोथ्स आर डाइड, देन दे आर प्रिंटेड, उसमें ब्यूटीफुल प्रिंट्स जो है वो उसके ऊपर लगाई जाती है, उसके लिए मशीन्स होते हैं, प्रिंटिंग मशीन्स होते हैं, एंड देन स्टिच किया जाता है। क्लोथ्स को पहले कट करते हैं और फिर उसको स्टिच करते हैं मशीन्स पे, एंड दे बिकम द ब्यूटीफुल गारमेंट्स। तो इस तरह से आपको ये चारों चीज़ें उसमें लिखनी है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ्स। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स, व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स, हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, या व्हाट इज द नीड, क्यों जरूरत है हमें क्लोथ्स की। सो द आंसर इज, वी नो नीड क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी। सबसे पहले तो हमें हमारी बॉडी को कवर करना होता है, एंड बॉडी को क्यों कवर करते हैं हम, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन एंड कोल्ड। ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना, चेंज होती है, कभी समर आता है, फिर रेनी सीजन आता है, उसके बाद विंटर सीजन आता है, तो इन सीजन्स में हमारी बॉडी को हीट, रेन और कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्लोथ्स पहनते हैं। इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, वी वेयर क्लोथ्स टू लुक स्मार्ट, टू लुक स्मार्ट, स्मार्ट दिखने के लिए हम अच्छे आयरन किए हुए, धुले हुए कपड़े पहनते हैं, क्लीन क्लोथ्स पहनते हैं, है ना। सो यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट हियर, वी ऑल्सो नीड क्लोथ्स टू लुक स्मार्ट। देन क्वेश्चन नंबर थ्री इज, नेम सम ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस दैट आर वोर्न बाय मेन इन इंडिया। कुछ ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस के नाम बताने हैं जो मेन पहनते हैं इन इंडिया। सो आंसर इज, मेन इन इंडिया वेयर कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, शेरवानी, चूड़ीदार एंड लुंगी। दीज आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस वोर्न बाय मेन इन इंडिया, एंड यू कैन सी सम पर्टिकुलर क्लॉथ्स आर वोर्न बाय अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो जैसे लुंगी है, मोस्टली लुंगी इज वोर्न बाय द पीपल हु आर लिविंग इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो धोती कुर्ता, शेरवानी, चूड़ीदार,
ये वाले जो क्लोथ्स है वो ज़्यादातर वहाँ पर पहने जाते हैं, है ना। सो दीज आर द सम इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस वर्न बाय मेन इन इंडिया। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स आर वर्न बाय पीपल लिविंग इन द हिल्स। जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर कौन से कपड़े पहने जाते हैं। नाउ वी नो दैट हिल्स एंड माउंटेन्स दे हैव कोल्ड क्लाइमेट। वहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है, कोल्ड होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। इसलिए हम आंसर में क्या लिखेंगे, पीपल लिविंग इन द हिल्स वियर वुलन क्लोथ्स। वहाँ पर ज़्यादातर वुलन क्लोथ्स पहने जाते हैं। जैसे आप अगर नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर उलन से बने हुए क्लोथ्स पहनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था फिल इन द ब्लैंक्स में हमने लिखा था फिरन। फिरन जो है वुल से बनता है, वुल से बना हुआ कुर्ता होता है, लॉन्ग कुर्ता होता है, वो वहाँ पर पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ इज़ अ लुंगी वोर्न इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अभी हमने पढ़ा था कि लुंगी जो है वो पूरे इंडिया में डिफरेंट टाइप से पहनी जाती है। तो लुंगी इज़ वोर्न अराउंड द वेस्ट विथ कुर्ता और शर्ट। लुंगी जो है वो वेस्ट में हम पहनते हैं, है ना, और उसके ऊपर या तो कुर्ता पहना जाता है या फिर शर्ट पहनी जाती है। इन केरला, केरला में जो लुंगी होती है, लुंगी पहनते हैं, उसको मुंडू कहते हैं। यार स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर, इट इज़ यू, मुंडू कहा जाता है। वाइल इन तमिलनाडु इट इज़ नोन एज वेस्टी। तमिलनाडु में लुंगी को वेस्टी कहते हैं। ओके, तो लुंगी जो है अलग अलग नाम से इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में पहनी जाती है। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज सी, थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर वन, हाउ डू द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स गेट वुल। पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स गेट वुल। अब जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं उनको वुल कहाँ से मिलता है, कहाँ से लाते हैं वुल। तो दिस पीपल गेट वुल फ्रॉम सम एनिमल्स लाइक याक्स। हमें पता है हिल्स में याक्स यूज़ करते हैं, और याक्स जो होते हैं दे आर हैविंग वेरी लॉन्ग एंड थिक लॉन्ग हेयर फॉर। देन शीप्स, गोट्स, और जो रैबिट्स होते हैं उनसे भी फर मिलता है, उससे भी वो कपड़े जो है वो बनते हैं। तो इनको या तो फर से वो क्लोथ स्टिच करते हैं, या फिर जो शीप की, याक की, गोट की जो वुल होती है उससे वो क्लोथ बनाते हैं। ओके, सो पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स गेट वुल फ्रॉम याक, शीप एंड गोट, एंड ऑल्सो दे मेक क्लोथ्स फ्रॉम द रैबिट्स फर। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, थिंक एंड आंसर। अपार्ट फ्रॉम कॉटन, वूल एंड सिल्क, विच अदर मटेरियल इज यूज टू मेक द क्लोथ। तो वी नो दैट क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन, वूल एंड सिल्क। इसके अलावा और कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ जूट, जूट हम यूज़ करते हैं, जूट के फाइबर्स। देन वी ऑल्सो यूज फ्लैक्स फाइबर, एंड वी ऑल्सो यूज हेम्प, हेम्प के जो फाइबर्स होते हैं दैट इज ऑल्सो यूज। ओके, अदर देन दिस वी ऑल्सो यूज सिंथेटिक मटेरियल। सिंथेटिक मटेरियल जो कि हमें पेट्रोलियम से मिलता है, पेट्रोलियम से बनता है वो, एंड इट इज़ मैन मेड मटेरियल दैट इज़ यूज टू मेक क्लोथ। तो मैन मेड यानी कि सिंथेटिक जो मटेरियल होता है उनसे जो क्लोथ बनते हैं उनके जो नेम है वो है रेयन, पॉलिस्टर एंड वन मोर इज द रेयन, पॉलिस्टर एंड नाइलॉन। ये नेम आपको याद रखना है, ठीक है। तो जूट, फ्लैक्स, हेम्प, रेयन, पॉलिस्टर एंड नाइलॉन। इसमें से जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प जो है दे आर नेचुरल मटेरियल्स, वाइल रेयन, पॉलिस्टर एंड नाइलॉन जो है वो मैनमेड मटेरियल है। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन इज लाइफ स्किल। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। आस्क योर मदर टू टीच यू हाउ टू सीव अ बटन ऑन अ शर्ट, also learn to thread a needle yourself. Now, what is the meaning of this phrase? ये एक phrase है, a stitch in time saves nine. इसका मतलब अगर हम देखें तो ये होता है कि अगर कोई problem है, if you have any problem, find its solution early. उसका जो solution है वो हमें जल्दी से find out करना है, otherwise क्या हो जाता है, वो problem बड़ा हो जाता है।
है ना, इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। इसलिए कहा जाता है कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ओके, तो ये तो एक फ्रेज है, क्योंकि इसमें ये स्टिचिंग से रिलेटेड है वर्ड इसमें, इसलिए ये इसमें दिया गया है। बट एक्चुअली अगर इसका मीनिंग हम देखेंगे तो आगे का जो क्वेश्चन है कि आपको बटन कैसे सीव करते हैं अपने शर्ट का, वो लगाना आना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक नीडल जो होती है उसमें हम थ्रेड कैसे डालते हैं, है ना। तो यू शुड लर्न टू थ्रेड अ नीडल योरसेल्फ, आप अपने आप उसको यूज़ करना सीखिए, ठीक है। तो अगर आपको स्टिचिंग करना थोड़ा बहुत आ जाता है, तो अगर कहीं छोटा मोटा फट जाता है क्लोथ आपका, तो आप उसको खुद ही स्टिच कर सकते हो, है ना। क्योंकि छोटा सा अगर कहीं पर कट लगता है या छोटा सा फटा हुआ होता है, तो वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर हम उसको स्टिच नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको ये छोटे मोटे जो काम होते हैं, जैसे बटन लगाना शर्ट पे, या फिर छोटी मोटी सिलाई करना, है ना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके, सो हियर वी हैव फिनिश्ड द क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 15, इंडिया व्यूज। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो, इन विच वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द बुक एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 18, कम्युनिकेशन। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।